नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। शादी एगो इंसान के जीवन के सबसे बड़ सपना होला, और ये शादी में केहू के मन माफिक जीवन साथी मिलेला, तो केहू के समाज के रीति रिवाज से जीवन संगनी मिलेले, तो वहीं केहू के 40 साल बितला के बाद भी एगो दुल्हन ना मिलेले। ऐसेने कुंवर एगो नौजवान बाणे रामपुर के राजू पांडे, जेकरा के आज तक ब्याह खातिर एगो दुल्हन ना मिलल। ऊ तो बस रात दिन अपने ब्याहे के और अपनी दुल्हन के सपना देखे ले। महाराज, रउआ सुतल बानी आ सूर्य देवता आसमान पर चढ़ गए हैं, आ रउआ आराम फरमा रहल बानी। अरे सुनो सुनो, राजाओं के राजा महाराजा श्री राजू पांडे जी जग गइल बानी, तो यहाँ के दतुन और मंजन के इंतजाम कइल जा। आ यहाँ के सेवा में सोना के थाली में मेवा मिष्ठान भोग हाजिर कइल जा। बाबूजी, कतना बढ़िया हम सपना देखत रहनी हो, ओइजा हमार ब्याह ना होत रहे, 3 गो फेरा भी लाग गइल रहे, रउआ बीच में कूद गई नी। माई माई देख का कहले बड़े बाबूजी। अब रउआ बिना भोरे भोरे हमरे लइका के रंग में भंग डाले के तरीका कोनो न कोनो ढूंढे ले ली। इहो कोनो तरीका है जगावे के? हां हाय 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 हाय, इहो कोनो तरीका ना हो तो का करी। यहां के सुतल बनी आ रविंद्र पंडित जी लइकी वालन के लेके आवता नी। लइकी वाला आ रहल बा? अच्छा, आवे में कोनो दिक्कत ना रु भैया? ना ही दिक्कत ना भइल ह, तोहरी गांव के रास्ता के का बताई, समझ में नहीं आवेला गांव में राह बा कि राह में गांव बा। प्रधान जी से बात हो गई बा, रास्ता जल्दी ये बन जाए। समधी जी तो बड़ा सुंदर बाने, हमार पतो ही सुंदर होगी। हे भगवान, हे माता रानी, आज हमने लेका के जोड़ी बना दिया। एक दूसरा के बारे में हम बता चुकल बानी, राजू बेटवा के देख ले, मेल मुलाकात हो जाई, तबे बात आगे बढ़ी। हाँ हाँ, कहे ना। अरे शांति जी, बुलावा उनका के। We'll be right back.
दुल्हा एकदम तैयार बा, तनी अपन सेहरा उठाई ताकि मन के तसल्ली हो जाए। तनी अपन चश्मा ते हटाई। बेटा के एक्चुअली में फैशन के बड़ा शौक है। वो तो ठीक बा। राजू बेटा, पढ़ाई कहाँ तक के लिए बड़ा? पढ़ाई? हमार पढ़ाई से ब्याह करे के बा कि हमरा से ब्याह करे के बा? वैसे हम टेंट हाउस के मालिक बानी, राजू टेंट हाउस हमरे न बा। और कौनो नौकरी की तैयारी? बस ब्याह के तैयारी चल रहल बा। पंडित जी, यदि जोकरवा से हमार बिटिया के ब्याह करेबा, जाना तरह हमार बिटिया कहाँ तक पढ़ाई के लिए बिया? बीटीसी के परीक्षा पास के लिए बिया। एगो बेरोजगार से हमार बिटिया के ब्याह कराई, एगो बेरोजगार से हमार भांजी के ब्याह कैसे कराई? कहले रानी ना, हमरा के नौकरी पैसा वाला दामाद चाहिए। चला चला। अब बाबू जी रोकी, हमार बिटिया के जहाँ ब्याह तय हुई तोहार टेंट जरूर बुक कराए। अतः ब्याह ना करे के रहे तो फोकट में खाली रसगुल्ला खाए आइल रहनी हो। चला। अरे बाबूजी रोकी, ए पंडित जी रोकी ना। बाबूजी का रुकी रे? हैं का रुकी? जब तोरा से पूछल लो पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो पढ़ाई लिखाई के बारे में उल्टा सीधा बोले के का जरूरत रहे? तो हम का बोलती उन लोग के कि हम हाई स्कूल में 3 बार फेल बनी, आई जोकर बन के अइला के का जोर तोरा लरे? अरे बाबूजी, हम तो सोचनी ना कि लड़की वाला हमरा के देखी तो समझ ली कि चौचक तैयारी बा, लड़कवा ब्याह खातिर बिल्कुल है तैयार बा, ई सोचले रहनी। अरे जा रे बोका। बोका माई, कि फिर हमरा के बोका कर रहल बाड़े? अरे किस्मत फूटल रहे उन लोगन के जे हमरे सुग्गा जैसन लड़का के छोड़ के चल गए। भैया ब्याह हो गई भाई, देखा लगातार राजबाबू से ब्याह टूट गई बा। अरे लगन खत्म होके वाला वा लगा, पंडित जी के सपना सपन में रह जाई। रुका 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 राजू भाई, रुका तो। हाँ का का ब्याह हुआ भाई? ना ना भाई, तयो ना भाई, ना भाई, कुछ ना भाई, रहुआ जाए। अरे भाई ब्याह ना भाई, ओके प्रणाम प्रणाम प्रणाम। झुलनी पे झूला झुलाई पे हो, पिया पहला मिलन में गा 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 गा, मजा आ रहा है ना? ओ ला 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 ला, रुक जा रुक जा। ओ ला 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 ला, अरे राजू सेठ ब्याह तय हो गई, मिठाई कहाँ बा? अरे कहाँ बा मिठाई? खा ले ले मिठाई। अरे पहले पूरा बात तो पता कर लेवे के चाही कि का भइल का ना भइल, सीधे मिठाई खाई मिठाई। हमरा के जो देखे आइल रहे ओकरा के नौकरी वाला दमोद चाहत रहे, बुझाता कि किस्मत में ब्याह नहीं के लिखल, तहरा तहरा मिठाई चाही, मिठाई के नाती। भैया हाँ, अब की बार के 10वां रिश्ता टूटल बा। से तो बा। अरे तू ये हमार उपलब्धि बताओ तरे ता? हमके तो लागत बा केहू टोना टोटका कर दे ले बा। हाँ टोना टोटका? हाँ अरे रे 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 रे। हाँ आराम से आराम से। हाँ बोल बोल। इतना बड़ा टेंट हाउस के मालिक बड़ा। हाँ बानी। और इतना बड़ा खानदान के अकलौता बेटा बड़ा। तहरा से जोड़े खातिर गाँव लगन के ई काम बा का? क्यों नो कई देने होई टोना टोटका कि तहार बिहावे ना होई? तू सही कह रहल बाड़े यार, हमरा तो बुझाता कि सारा जिंदगी दूसरे के ब्याह में ही टेंट लगावे के पड़ी। वैसे एक बात बताओ, ये टोना टोटका मिट्टी कैसे रे? अरे का कैसे मिट्टी? ना मरबो तो बताई। ना मर, बताओ बताओ बताओ। एगो बहुत बड़ बाबा बाड़े, बहुत पहुंचेला बाबा। अच्छा अच्छा। जेकर नाम जिला जवार में ना एकदम बहुत पहुंचल बा। एक बार तू चल गेला ना तो खाली हाथ ना आइबा। तू बाबा के परिचय देवे में आतना समय लगेबे तो हम एहिजे बुढ़ा जाइब। अरे कहां मिली का नाम बा ऊ ना बतावे के चाही? हां अब बताओ तनी।
पहाड़पुर के ना हाँ नटू बाबा बाड़े गर्दुल्ला बाबा छा हम कहता नहीं शांत हो जा आम ब्लिंग ब्लिंग क्लिंग वाम वाम स्वाहा नटुल्ला बाबा की जय जय बाबा ए बाबा ए नटुल्ला बाबा पर कहाँ गए रे आई जा बानी बचवा बाबा रवा तो ऊपर चल गई नी अरे हम ऊपर चढ़ल नहीं की लटकल बानी आवा हमरा के उतारो तो नीचे आई ना बाबा अरे हमरा खाली चढ़े आवेला आ उतरे के मंत्र हमरा नहीं के मालूम हमरा के उतारे के पड़ी तो हम उतारी अरे ना उतारबे तो तार समस्या के समाधान कैसे होई आवा तनी समाधान चाहिए समाधान चाहिए बाबा समाधान चाहिए संभाल के बाबा संभाल के आओ तनी आओ तनी ठीक बा बाबा ठीक बा ठीक बा बाबा एकदम ठीक बा बाबा की जय हो बाबा की जय हो बाबा की जय हो शांत हो जा सब शांत हो जा बोला लोगनी का समस्या बा तनी देखी हमर हाथ बताई एगो बात होई बियाह हमर कैसे नइखे लिखल मेल ते रहबे कुमर ठेल तोरा हाथ में बियाह रेखा नइखे रे नइखे बीबी मिलबो करी तबहु छोड़ के भागी 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 कहिया लागी हरदी कहिया घर भरी कहिया लागी हरदी कहिया घर भरी ए बाबा जी ए बाबा जी कहिया माथा पे मऊर चढ़ी ए बाबा जी कहिया माथा पे मऊर चढ़ी कितना अनहर कितना बहिरी अइले हमरे टेंट में मैरिज भइल बीबी लेके गइले हो बीबी लेके गइले ए बाबा कौनो उपाय बताई ए बाबा कौनो जुगाड़ लगाई जवन कहल तवन कर हवन कर राहु परबल केतु परबल शनि के बासर साथी पीपर में ते जल चढ़ाव तबे अखिया लड़ी ससुर तबे अखिया लड़ी कहिया लागी हरदी कहिया घर भारी ए बाबा जी ए बाबा जी ए बाबा जी कहिया माथा पे मऊर चढ़ी ए बाबा जी कहिया माथा पे मऊर चढ़ी मोलवी सभे फेल भइल दादा आधा उमर बीत गइल बचल बटे आधा जवन लड़की देखे तवन मुंह फेर के भागे एह जन्म में हनीमून ना होई ऐसन लागे जेकर बियाह होके टूट जाओ जेकर मेहरारू बियाह छूट जाओ हनीमून वाला के करम फूट जाओ मेहरारू मिली शांति राख मिली मेहरारू हम तोरा के आशीर्वाद देतनी जो कहिया लागी हरदी कहिया घर भारी ए बाबा जी ए बाबा जी कहिया माथा पे मऊर चढ़ी ए बाबा जी कहिया माथा पे मऊर चढ़ी आओ बचवा तहार कल्याण हम करके रहब
हम कल्याणकारी हैं, तोहरा के तो हम कतहु पहुंचा सकीले। जय माँ काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली। जय माँ मैहर वाली, जय माँ विंध्यवासिनी। हमार ज्ञान के गंगा कह रहल बा। का कह रहल बा? जे लईकी तोहके मिले वाली बा, उहे लईकी तोहरा खातिर जीवन संगनी ढूंढ के लाई। अच्छा, बस जैसे ही उले की तोहरा के मिली, तो उकरा के अपन साथी बना लिया। बना ले साथी। ए बाबा, बाकी उले की मिली कहाँ हो? बस नटुला बाबा कहाँ गए लो? बाबा अरखू मलाई मस्का सारी मार के चाय बनाओ, एकदम लल्लन टॉप नियर। तनी हाई देखा, नीचे कहाँ लिखल वहाँ? का देखी? का लिखल बा? नगद शौक से उधार आगे चौक से। आज आज का हरकू भैया, आज ले के करो हम पैसा ना देनी हो? अरे भाई खाता में लिख दी महाराज, मिल जाई। देखा तोहार खाता पहले से भर गई बा, ओहू के मूस खा गई बा। मूस? मूस चूहा। अच्छा, मने जो हमार उधारी खाता वाला बही रहे, ओकरा चूहा खा गई बा? खा गई। गणपति बप्पा मोरिया, ये तो बहुत बढ़िया काम भइल हो। एक काम करो, नया बही खाता बनावा और आज से लिखना शुरू कर दो। अरे मिल जाई मिल जाई। और हाँ, राउर बियाह होई नू तो राजू टेंट हाउस के टेंट फ्री में लाग जाई, बनाई बढ़िया चाय बनाई। भैया पहले अपना तकैया, जवानी जियान होत बा। केकर जवानी जियान हो रहल बा, समझाई हम? भैया शादी हो गई। केकर रे? कहार भैया, हमार कहा शादी हो गई? आई पढ़ा ला, biyah.com। कुंवारे कुंवारे आइए, दुल्हनिया लेके जाइए। सीरियसली? हाँ आना ना, मिलके बात करें। गुड मॉर्निंग सर। 10 मिलियन फॉलोअर्स सर। यस, 10 मिलियन फॉलोअर बड़े हमरे biyah.com के। यूपी बिहार के न जाने कितना लड़का लड़की आवेले, अपना मन पसंद के जीवन साथी ठोट के ले जाले, अपन घर बसा ले वेले। लेकिन हमारे गो साली बिया, ओकरा खातिर एगो लड़का नहीं खे मिलत। का करी, हमार मेहरारू हमार जिंदगी हराम कर ले बिया। देखा भूतनी का नाम ले ली, भूतनी का फोन आ गई। हेलो डार्लिंग, आज हमार बहिन खातिर ना तू बढ़िया से दुल्हा ना खोज के ले आई बा, तब बर्फ जाना तड़ा। हाँ जाने ली, तो ओही में तोहरा के डाल के ना पी जाई। ठीक बा मिस्टर 10 मिलियन फॉलोवर। हे विधाता, अपना साली खातिर कहाँ मिली लड़का? मिली बॉस। रउआ अपन साली के फोटो अपन biyah.com के वेबसाइट पर अपलोड करा दी, लाइकन के लाइन लग जाई लाइन। नो 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 नो, फोटो अपलोड ना कर सकेली, बिल्कुल ना। काहे सर? अरे एक्के तो साली बिया कितना जतन से पाल के रखले बानी, फोटो ना डाल सकेली। हाँ हमारा साली खातिर एगो ऐसा लड़का चाहिए जौन बिया खातिर मरल जात हो। खो जब यह होला का बॉस, मिल गई दुल्हा, बुझाता आज ब्याह करी।
पगला है कारे हैं बस कर बस कर बस 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 एहिजा बियाह होला का ना 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 यहाँ प्याज और आलू बिकेला बाबू तू चाल कुंटल तौल दे रहुआ आलू प्याज बाहर जाकर बेची हम छोट मोट आदमी से बात ना कर लेनी तुम छोटा मोटा किसको बोला जी तुमको मालूम है आई एम ओनर ऑफ दिस ऑफिस biah.com मालिक हूँ मैं यहाँ का मालिक यस ए मालिक मालिक हो हमरा के बियाह करे के बा मालिक करवा दी हमार बियाह मालिक अरे ससुर पहले के हटाई बात बोला कैसे मालिक मालिक धन्यवाद मालिक हमरा के बियाह करे के बा मालिक जी मालिक शादी करे के बा जी ओके मेरी असिस्टेंट है कंचन उनसे बात करो दी दी biah.com में राउर स्वागत बा कहीं का सेवा कइल छै हमरा के बहुत जल्दी में बियाह करे के बा अच्छा तो ई बताई कि का नाम बा कौन गांव बा राजू पांडे मने इनका नाम राजू पांडे है हाँ राजू टेंट हाउस के इकलौता वारिस अच्छा गांव रामपुर से आयल बाड़े रामपुर तो ई बताई कि रउआ के कैसन दुल्हन चाही एकदम रउरा जैसन चाही चुप रह जल्दी में बानी हाँ तो अब ब्याह खातिर हाँ अब रउए जैसन मतलब मिलता जुलता अच्छा थोड़ा समझ रहल बानी लेकिन जल्दी चाही एक्सक्यूज मी आए मेरी खोज पूरी हुई कंचन दूल्हा मिल चुका है हाँ तुमको शादी करना है जल्दी में जल्दी में अपना पूरा जीवन में हमें इतना रेडीमेड दूल्हा पहली बार देखने का थैंक यू अभी तू समझा कि तुहार ब्याह हो गई बस कल तुम हमारे असिस्टेंट कंचन के साथ हमारे घर चले आना एक खूबसूरत दुल्हन तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रही है खूबसूरत ऑल द बेस्ट थैंक यू चली आई 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 अच्छा अर्जुन चल रहे अरे ले आओ हमरा भूख लगल बा हम खा ली तारा लाट साहब के इंतजार में हम उपवास ना रहे का बाबूजी हमार नाम राजू पांडे हो लाट साहब के करा कह रहल बनी और एहजा बैठ के हमरा कोसे के अब कोनो जरूरत नहीं खे कहे कि हम कह देता नहीं एक बात कान खोल के सुन ली अब हमार बिया हमरा हिसाब से और एक बात अब हमरा के राउर और राउर पंडित रविंदर जी के कौनो जरूरत नहीं खे ठीक बा कहे कि हमरा के बिया करावे वाली मिल गई बिया बिया डॉट में काम करेली नाम बा कंचन और कंचन के कंप्यूटर में दुनिया भर के कुंवारी लड़कियन के मेला लागल बा मेला जी तोर बियाह biah.com वाला कराई तो हतना देर से हम सत्यनारायण भगवान के कथा सुनावत रहनी हो खाना दे माई खाना दे ये ऐसी बोलत रही है खाना दे भूख लागल बा अरे जो गोर धोले गोर गोरवा से खाए के बा अरे रोवा के मौका मिले ला नहीं कि बस उकरे पीछे पड़ जाली ले भैया हाथ धोला ऐसन बाप हो किला का पीछे ना पड़ी सब कैला थैला पर पानी फेर धलत इतना बियाह पंडित जी बढ़िया लगोले रहले अब अपन मुंह बंद रखी ओकरा की खाए दी वाह वाह वेरी गुड क्या बात है डार्लिंग क्या मिठाइयां हैं हां बिल्कुल ना हाथ बिल्कुल मत लगाई हा जब तक लड़का वाला आना जाए तब तक कुछ ना मिले खाए खाते एक्सक्यूज मी मेरा दास मिलियन ये कह के चाहत बड़ा ना यस माय स्वीट हार्ट माय बेबी माय डार्लिंग 10 मिलियन फॉलोअर biah.com के बारे में हां डोंट वरी कंचन आवत भैया दुल्हा लेके है डालिंग तब तक एक पीस मार ले बिल्कुल ना हाथ लगावे की जरूरत ना बा जब तक ना आ जाई है खाली पेट बैठा अरे हो जाई काहे टेंशन ले होता हूं आ गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग कहा का फुसर फुसर कर बारा बोला ना दूल्हा आ गया दूल्हा लेके आओ दूल्हा आ गए राजू नमस्कार वेलकम वेलकम हेलो ओ परिवार वाले नहीं आए आप अकेले आए हैं
हमरा से ब्याह करे के बा कि हमार परिवार से ब्याह करे के बा। सही है। के पसंद बारू हम ब्याह खातिर तैयार बनी। Excuse me. Yes. ये तुम्हारी वाली नहीं है तो ये हमारी वाली है। अब तो हमार वाली कहाँ ब्याह? तुम्हारी वाली इधर है। ये तो राउर वाली ब्याह, हमार वाली सॉरी थोड़ा एंगल नीचे लगाओ, नीचे नीचे। राजू भाग 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 भागी। अरे उन्हें कहाँ भागा था? गाड़ी के साथ भागे। गाड़ी के साथ भागे बा। एक मिनट स्टार्ट करना जल्दी। कंचन राजू किधर गया? देखे आवे तनी बॉस। लेके आओ तोरा के पता है ना क्या मारता है? 10 मिलियन फॉलोवर है, अब हम देख के आवत आनी। राजू राजू का भाईल? राजू का भाईल? अरे तू तो हमरा के फसा रहल बारू कंचन। अरे ऐसा लड़की से हमार ब्याह होई? कहाँ वो कहाँ हम, मतलब आसमान के जमीन से ब्याह होला। बताओ हमरा के माफ कर दो। अच्छा तो कौनो बात नहीं के हम तोरा के दूसरे लड़के से मिलवा दे। अच्छी तरह से मिली के बात करके पसंद कर ले। राजू तू हमरा के अपन दोस्त समझा, दोस्ती करबा हमरा से। जे लड़की तोहके मिले वाली बा हाँ हाँ उहे लड़की हाँ हाँ तोहरा खातिर जीवन संगनी ढूंढ के लाई। हाँ हाँ अच्छा बस जैसे ही उले की तोहरा के मिली हाँ तू करा के अपन साथी बना लिया। हाँ, मतलब हम तहरा से दोस्ती करे खातिर तैयार बनी। अब हमरा के विश्वास हो गई बा कि अब हमरा के दुल्हनिया मिल जाए। तो एगो काम करा का? हमारा मोबाइल नंबर लिख ले। हाँ, और हमारे व्हाट्सएप पर अपन फोटो भेज दी। हाँ, जल्दी तोहरा के तोहार पसंद की दुल्हन मिल जाये। नंबर बोला, नंबर बोला। 94-94-15-420-420। आगे लागे। सुनो राजू अब तू चिंता मत करा। हाँ। हम तोरा के एक से एक सुंदर लड़की से मिलवाई। हाँ, हाँ। अच्छा सुनो अब ना हमरा के जाए के पड़ी, ना तो हमार बॉस ना हमरा पे भड़क जाए। ना 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 ना, ना। रउआ बॉस के पास जा और मोटका के बाहर मत आवे दिया, ना तो ओकर सालियो आ जाए ना। ठीक बा बाय। हाँ बाय। राजू टेंट हाउस? अरे यहाँ तो राजू टेंट हाउस लागल बा, तब तो एजा हुई है। सुनी यहाँ राजू टेंट हाउस लागल बा तो है जे काम ता बच्चन के नाम लिखल बा। इस सगरो जितना भी सामान देकर ताड़ू सब राजू भैया के बा। अच्छा तो राजू कहाँ बड़ा? अरे वो राजू सेठ हो, राजू सेठ कहीं बुकिंग लागल हो यहाँ नहीं तो बैल बैठ के सुतल हो। हाँ कंचन हम यही जा पहाड़पुर आइल बानी, यहाँ तुहार टेंट लागल बा। वही जा एगो बुकिंग रहे है, मुकेशवो तो वही जे होई। लेकिन तू ना आइला? अरे राजू से छोटा मोटा बुकिंग में ना जाला। हाँ बेजती खराब हो जाला नू। हाँ कोनो लड़की दिखावत तारू तो बोला अभी के अभी आ जाई। हाँ हाँ एहिजा बहुत सारी लड़की आई बाड़ी। अच्छा हो सकेला तुहार काम बन जाए, तू जल्दी से आ जा। का बात करो तरु सच्ची मुच्ची? फिर तो अभी के अभी आवत नहीं। आओ बेटा आओ। देखा रुक जा। इका भिखारी के घरे बरात लेके आयल बाड़ो, न गाजा न बाजा न डीजे, लेके जा बारात ब्याह ना। 5 लाख
एडवांस में दहेज देले रहे। 150 आदमी लेके आवे वाला रहा, 10-20 को आदमी लेके आ गया, एगो तू और तोहार लेकर। बाजा गाजा कुछ नहीं खेल। समधी जी, डीजे वाला से बात भेल रहे, आज लगन बहुत तेज बा, यही से वो ना आ पाई। बिना गाजा बाजा के ये अगुवाई ना हुई। अरे ये सब का हो रहल बा? देखा जौन हो गई तौन हो गई, अब बारात आ गई बा। Yah.com वाली तू बिल्कुल चुप। अरे ये लोग के मिलावे से पहले ये लोग के ब्याह के तौर तरीका बतावे के चाहता। देख हमारी हवेली देख, कितना धूमधाम से सजोले बारी हम। हमदी जी, अब डीजे वाला ना मिली तो हम नाची ली नाच लेनी, अब तो शादी कर दो। एकलौती बेटी बा हमार, ऐसे सूखा सूखा कर शादी ना करब, धूमधाम से, अरे खूब धूमधाम से शादी करबे कर। अरे जैसन राउर इकलौती बेटी बा, वैसे ही इकलौता बेटा हमार भी बा। कौन बाप ना चाहिए ओकर बेटा के धूमधाम से शादी हो, लेकिन रउवा जानी ले हमारे मजबूरी के। अरे जाए यहाँ से। अरे कैसन बात करो तारा समधी जी। जय बकीना। बिना लड़की के विदाई के कैसे वापस चल जाए हमनी के? बस ज्यादा बकबक मत करा। हम लड़की लेके जाए खाली हाथ ना जाए। उठा के फेंक दे यहाँ से। ज्यादा बोलबे तो मुँह फोड़ दे तोहार। हम तो वो करब की बस तू जिंदगी भर याद रखबा। कैसन बात करो तारा समधी जी। जा ठीक बा, जात बानी हम। एक मिनट हम कुछ कहे के चाहते नहीं, थोड़ा समय दी। कंचन हेने आवा एक मिनट। हाँ कहाँ? डीजे वाला ना आइल तो का भइल, ई राजू टेंट वाला तो आइल बनू। तो शुरू कइल जाओ। कइल जाओ। पहले कमर हिलाना जी।
ऐसा कुछ आज होई प्रेसम में जाज होई ऐसा कुछ आज होई प्रेसम में जाज होई हे पक्के हे ने घुमावे घुमावे अरे घुमाएगा किनारे डीजे बजाओ ना कमलिया हिलाओ ना डीजे बजाओ ना कमलिया हिलाओ ना धन्यवाद ए भाई। हाँ भाई। जब भी हमार बियाह होई ना हाँ। राजू टेंट हाउस के पूरा सामान हम अपना बियाह में सजा दे का है मुकेश भाई कौनो लड़की मिल गई बा का अरे यार मिल का मिल तो जाए एक दिन अरे भाई ये बियाह का लड्डू है जे ना खाला वो पछताला और जे खाला वो एकदम में पछताला एगो ई बाड़े शादी करके पछता रहल बाड़े एगो अपने राजू सेठ के देखा शादी खातिर कहाँ कहाँ ना भटकेला यार दिन रात सब एक कर दे लहू हे सेठ आओ ताले कम पे लग चल 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 चमकाओ चमकाओ बढ़िया से चमकाओ फोटो हाँ ए राजू भैया का आज कोनो बुकिंग वुकिंग नहीं खे अबे दूसरा कोनो बुकिंग की जरूरत नहीं खे यार अब अगला जो बुकिंग होई नू हमार बियाह के होई कंचन को ना लड़की देखा लसी का दिखाई दिखाई अरे भैया हम का कहते नी कंचन के अपन मेहरारू बना लो कितना बढ़िया लगी हमनी के कंचन भौजी कहल जाई है अरे एक बात कान खोल के सुन ले जौना गगरी से पानी मिले लनू उ गगरी के ना फोड़े के चाही कंचन गगरी बानी का तहार गगरी फोड़ी का हो गई तहनी के नाच गाना कंचन के फोन बा उठा ली उठा ली उठा ली रुक हाँ हाँ कंचन राजू एगो लड़की से बात हो गई बा हाँ हाँ बड़ी सुंदर बा उ तोहार फोटो दे के तोहरा के पसंद कर ले ले बा वाह कहीं तो तोरा के ओकर फोटो भेज दी ना 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 फोटो भेजे के कोनो जरूरत नहीं के रउआ देख लेनी समझ ली कि हम देख लेनी हमरा के तहरा पे बहुत भरोसा बा भाई जल्दी से मीटिंग फिक्स करो मीटिंग मीटिंग अच्छा तो ठीक बा कल सवेरे गोमती होटल आ जाइहा आ सुनी बन ठन के आइहा ठीक बा बन ठन के गोमती होटल फाइनल ओके बॉस ओके बाय राजू हाँ? काल सुबह जल्दी उठ जाई हो काल सुबह जल्दी उठे के बाद सवेरे सवेरे बॉर्डर पे जाके स्टेन गन चलावे के बका काय खातिर सवेरे सवेरे उठ जाई तमाशा मत करो काल पंडित जी आवत रहे लड़की वाला के लेके आ सुन ए बेरी कोनो नौटंकी मत करी है मना कर दी हाँ काहे की बियाह.com वाली कंचन हमरा खातिर एगो लड़की पसंद कर ले ले बिया और गोमती नगर के होटल में उहे लड़किया से हमार मीटिंग फिक्स हो गई बा बुझलो बियाह.com वाली तोरा के फंसा के बर्बाद कर दिए सो माई अरे रोहन चुप करी ना जब हमार लड़का अपना पसंद से शादी कर रहा बा तो रवा की मिर्ची कहाँ लगा था मिर्ची ना लगी हमरा दुनिया के पैसा देने करे के समियाला के बिजनेस करे खातिर एक रुपया के आमदनी ना भई अपना से ब्याह करिए माई खाना लगाई हाँ लगाओ लगाओ फटाक से खाना लगाओ भूख लागल बा चल लगाओ बाऊ जी चिल्लैला के बाद इंसान के भूख लग जाला भूख लागल हुई तो फॉलो मी तोरा चप्पल ना निकाली कमर टेढ़ा हो जाई क्या खा लो रुगा ना खाई खाई ना तो चली हे माई आज कौन कपड़ा पहने के बा अरे हमर लाल तुहार जौन मन करे तौन पहना तू तो
तो कोनो हीरो से कम नहीं खे। हाँ माई, हमार भैया इतना सुंदर बानी कि केहू भी लड़की देखी तो फट से तैयार हो जाए और हमार भौजी बने खातिर ना फट से राजी हो जाए। ई कैसन जमाना आ गेल बा भाई। एगो हमनी के जमाना रहे कि ब्याह भइला के बाद आदमी जब घूंघट उठावे तब तो पता चले कि मेहरारू गोर बिया की करिया। एगो इनका के देख, मेहरारू देखे जाता रहे। काश हम हूँ देख लेले होती तो ई दिन तो नहीं देखे के पड़त। मतलब देख लेले होती ना तो राउर जैसन भूजल मनई से ब्याह ना करती। देखा राजू के माई, लड़का के प्यार में तू अब कुछ ज्यादा बोल रहल बाड़ू। रहो के जौन समझे के पाना समझी। अरे माई बाबूजी, अपन राम कहानी ना बंद करी। आज के दिन शुभ बा, शुभ शुभ बोली। एकरा के BR.com वाली फसावत दिया। ई कौन बिया रे, ना दान ना दहेज। हमनी के दान दहेज के कोनो लालच नहीं खे। बस ई घर में सुंदर सी पहुरिया आ जाए और का चाहे हमनी के। तहनी लोग के डिस्कशन खत्म हो गई तो हम कुछ बोली। ब्याह हमर हो रहल बा, तहनी लोग अतना लंबा डिस्कशन कर लेले बाड़ू कि जैसे कि ए बाबूजी, हम खुदे डिसाइड कर ले कि का पहने के बा। असुनी आज ना कुछ स्पेशल पहनबे स्पेशल। हे भगवान, आज पे सुनो के दिल मिलवा दिया ताकि हमार काम पूरा हो जाए। बस दोनों एक दूसरे की पसंद कर ली। कंचन, अरे तू तो ऐसे देख रहल बाड़ू जैसे तोहरे से ब्याह करे के बा हमरा के। राजू ई का तू यहाँ लड़की देखे आई बाड़ा या ई होटल में झाड़ू पोछा करे? अरे का बोल रहल बाड़ू तू, एकदम रंगीला बन के आयल बानी ताकि लड़कियाँ देखे तो हमरा के पसंद कर ले। ऐसन बेढंगा कपड़ा पहन के केहू लड़की देखे जाला का? अब वो स्वीटी देखी तो का सोची? वो स्वीटी के हमरा से ब्याह करे के बा कि हमार कपड़ा से ब्याह करे के बा? हे भगवान। अच्छा सुना, हाँ? अब ये सब छोड़ी, वो बस आवे वाली ब्याह सुना। हाँ? एकदम बिंदास होकर बात करी हा। अरे चिंता जिन कर, हम राजू टेंट वाले 10 गो पार्टी से तो रोज डील करे नी, संभाल ले। पार्टी और लड़की में फर्क होला, एगो लड़की से कैसे मिले जाला कुछ सुहूर बात हो रखे। की का बोल रहल बारू, हमरा सुहूर बा भाई। न हाय न हेलो, अरे कम से कम हाथ तो मिलावे के चाही ना। और जब लड़कियाँ ऐजा आईबे न कोइली हो तो केकरा से हाथ मिला ली? हम हो लड़की हैं, हाथ मिला लो हका, बस आके सीधा खड़ा हो गया। कंचन तू तो हमार दोस्त बाड़ू ना, तक दोस्त से हाथ ना मिलावल जाला। हे भगवान, का करी कैसे समझाई। कंचन, हाँ? तू ब्याह कब कर रहल बाड़ू? अगला साल। केहू से बात चल रहल बा का? हाँ चल रहल बा। के बाऊ खुश नसीब? राजू ये सब छोड़ा, एगो लड़की से कैसे मिलल जाला चला हम तोरा के सिखावत आनी। कैसे? मान ल की हाँ? हम स्वीटी हैं और तोरा के हमरा से ब्याह करे के बा, तो कैसे बात करबा? कुछ बोल बा। कंचन, हम राजू टेंट वाला, हमरा से ब्याह करबू का? बेवकूफ, हम कंचन ना, हम स्वीटी हैं। यार तू पहले क्लियर कर ला कि तहार नाम कंचन बा कि स्वीटी बा। हमार नाम? हाँ। हमार नाम ऐश्वर्या रॉय बा। हे भगवान, कतना नाम रख ले ले बड़ू। हे भगवान। हाय एवरीवन। हाय। वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं viva.com की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ। नाइस टू मीट यू। हेलो।
आई बैठी ना। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ी बिजी हूँ। अच्छा ठीक बा। सुनी ये राजू है, राजू पांडे। ओ तो आप है राजू पांडे, भोजपुरिया जवान। आई लव भोजपुरिया यंग मैन। पांडे जी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। थैंक्स कंचना। ये हीरो तो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गया। बट हाँ, एक शर्त है। क्या है ना कि आपसे पहले मेरे दो बार डिवोर्स हो चुका है और मेरे चार बॉयफ्रेंड भी हैं। तीसरे तो तुम ही बनोगे। और वैसे भी शादी के बाद ना तुम मेरी जान मेरी उंगलियों पे नाचोगे। कहा? और शादी के बाद ना हम दोनों गोवा, मनाली, जम्मू कश्मीर और होनोलुलु। होनोलुलु? That's my favorite place, darling. हम लोग जाएंगे, शॉपिंग करेंगे और मुझे घूमना बहुत पसंद है। अब तो मैं स्वीटी राजू पांडे बनने के लिए तैयार हूँ। सासु माँ, लगाओ तानी, लगाओ तानी। पोछा भी लगा दे, पहले झाड़ू तो लगा नहीं। ससुर जी, काटो तानी, तरकारियों बना दी, दाल बना दी, भातो बना दी, अखियाइयो दी। ये क्या है? ऐसा लगाते है कोई? एक काम ढंग से नहीं कर सकता। लगाओ ठीक से। हाँ, पूरा है? हाँ पूरा बा। पकड़ो। सुनो, मार्केट से जाके सिगरेट ले आओ। अरे बाप, इट्स ओके, यू कैन टेक योर टाइम। जस्ट गिव मी कॉल डिसाइड होने के बाद। वो क्या है ना कि मेरे पार्लर का टाइम है और आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाइट आउट के लिए जा रही हूँ। सो सी यू गाइस, नाइस टू मीट यू कंचन डार्लिंग। राजू जी, पांडे जी, गिव मी अ हग। ओह माय बेबी, कम ऑन, ओह माय बेबी। राजू, राजू बैठा बैठा। राजू, हमरा के माफ कर दो, हमरा के ना मालूम रहे कि वैसे लड़की भी हम हूँ, पहली बार मिलत रहे। हाँ पानी 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 इली पानी बुझाता बुझाता ही राजू अब कुंवारे ही मर जाए ना। राजू हाँ, शुभ शुभ बोला। जाए दा ओकरा के। हाँ जाए दा, जाए दा। सुना अब, तू हमरा के बतावा कि तोरा के कैसे लेके चाहिए। हमरा के हाँ, कजरारी लखिया टॉप मुस्कान हो, नख
खरा बेजोर होके सुंदरता के खान हो कारी कजरारी रखिया टॉप मुस्कान हो न खरा बेजोर होके सुंदरता के खान हो मन पगला जाए हमर धनिया हो हमर धनिया हो ओ कसला को में हमर धनिया हो ओ कसला को में हमर धनिया हो सुंदर मीठा बन बस मिसकन हो किस्म किस्म के पकावस पाकवन हो ओहो ये खूबी चाहिए सुंदर मीठा बनावस मिष्ठान हो किस्म किस्म के पकावस पाकवन हो बतिया विचार से वो खस खोबे में हमर धानिया हो हमर धानिया हो वो खसला को में हमर धानिया हो वो खसला को में हमर धानिया हो खूबे खयाल रखस रनिया हमार हो रौनक हो जाए उनसे घरावा दुबार हो ओके बाबा समझ गई खूबे ख्याल रखस रनिया हमार हो रौनक हो जाए उनसे घरावा दुबार हो नहीं कब झगड़ा हो के नहीं मिल सके हमर धानिया हो हमर धानिया हो खसला को में हमर धानिया हो खसला को में हमर धानिया हो ओके राजू बुझ गई नी तू निश्चिंत रहा बहुत जल्द तुहरा के तुहार सपनों के राजकुमारी मिल जाई कंचन हाँ? अब हमरा के बस तहरे पे भरोसा बा तहार इंतजार रही ठीक बा आई ना छोड़ देता नहीं चली आई माई जल्दी से खाना लगाओ भूख लागल बा हाँ लगाओ तानी हाथ मुंह धो के आवा राजू जी माई के बाहर ले जा जी बैठ हम आवत आनी राजू भैया अरे इतना रात के काहे बोल अरे आ गए लता नहीं लोग बैठ मुकेश हाँ एगो बात बताओ अगर हम अपन टेंट हाउस बेच दी तो कतना मिल जाए रे उहे कोनो 2-3 लाख रुपया मिल जाए भैया अरे राजू भैया अपने साथे
हमन के काहे बेरोजगार करे के चक्कर में लागल बड़ा। अरे ना ऐसन, एक मिनट। हाँ कंचन। हेलो राजू, कल सुबह हमरा घरे आ जाइया, ब्याह के बात करे के बा। तहरा घरे? हाँ, एगो सरप्राइज बा। अच्छा सुना, अब हम रखत आनी, कल सुबह आ जाइया। हाँ हाँ। असुनी, जोकर बन के जी नहीं हा, ठीक बा? हाँ हाँ, समझ गई नी। अब। ओके बाय। भैया। हाँ। उ टेंट हाउस हुआ तो ना बेच बाना। ना, ना। कल आओ ना टेंट हाउस में, कल बात कर जाई। आज सच में बहुत रात हो गई बा। चिंता मत कर, तहनी लोग जा, कल बात हुई जा। ठीक बा। जा संभाल के। चलो। हाँ, कल बात हुई जा। आज अपन बिटिया कितना खुश भैया। अरे काहे नहीं खुश रही, आज एगो साथी के अपना घरे बोलौले बा, रिश्ता पक्का हो जाए तो सब खुश हो जाए। सही बोला तानी। हाँ बाबूजी, राजू बड़ा ही सीधा साधा और नीमन लड़का बा, देख लिया आज सबके पसंद आ जाए। हाँ। लेकिन वो आई कब? राजू, ये हमार बाबूजी हैं। प्रणाम चाचा जी। जुग जुग जिया बेटा। ये हमार माई हैं। प्रणाम चाची। खुश रहा बेटा। कितना स्मार्ट बना। ओहो, आज तो बड़ा हैंडसम लगत बड़ा। थैंक यू। बैठी। जी। आए। और का हाल चाल बा? सब ठीक बा चाचा जी। कंचन बेटा। हाँ? किरण की बुला लावा। ठीक बा माई। राजू, ये किरण है हमार बचपन के सहेली। हम तोहरा बारे में एकरा के बता चुकल बानी। हमरो विश्वास बा कि तोहरा के जैसन दुल्हन चाही ना, ई पगली एकदम परफेक्ट बा। राजू। हाँ? किरण बड़ी होनहार बिटिया भैया, और हाँ हमार पड़ोसी भी बा। इनके बाबू के लकवा मार देले बा तो चल फिर ना पावले बेटा, सारी जिम्मेदारी बियाह शादी के हमनिये के ऊपर छोड़ देले बाड़ा। अब तू हाँ कर देता तो बात बन जात। चाचा जी, हमरा के किरण पसंद भी है। कंचन, हम जैसन कहले रही किरण वैसे ही बड़ी, हम ब्याह खातिर तैयार बनी। अरे वाह, ई भइला बात। दूल्हा ऑन सेल, ला मुंह मीठा करा। बाकी एगो बात रहे। अब कौन बात? जब मियां बीवी राजी ते का करी है काजी? ला। हमरा के दहेज चाहिए। 5 लाख। राजू वाह, दिखा दे लेना अपन असली औकात। दहेज चाहिए वो 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया में कितना जीरो हो खेला इहो जाने ला तू? जाने नहीं, 5 लाख में 5 जीरो हो ला। आगे से 5 और पीछे से भी 5। और हाँ कंचन, तहरा का लागल कि हम फोकट में ब्याह कर ले। जे केहू हमरा के 5 लाख रुपया दी, हम उनकर बेटी से ब्याह करे खातिर तैयार बने। 5 लाख रुपया तैयार हो जाए तो हमरा के बता दी कि दूल्हा सेल हो जाए।
जयराम जी। दस मिलियन फॉलोअर हमें bia.com के। दुनिया के शादी करावे वाला अपने साली के ब्याह ना करा पा रहल बा। कौन लोगों ने जा का कर खाते बैठे बड़ू सैलरी का तो हम लोगों के फालतू में देता नहीं हम। सर वो राजू पांडे से फिर से बात करें क्या? शट अप। राजू का तो नाम मत लेना। राजू का शादी ना हो कदे आना शादी अपने साली से करवाई ओकरा के तो हम रणुआ बना के रखब। सर कंचन आ गई ली। ओ वेलकम मिस कंचन, आइए वेलकम, स्वागत है आपका। क्या बात है क्या बात है। हाँ तो मिस कंचन, राजू के स्पेशल शादी मीडिएटर राजू पांडे की शादी तय हुई, दुल्हन मिल गई लड़का खातिर। हमके माफ कर दी बॉस, वो तो बड़ा दहेज लोभी बा। सर सर सर, शहर के बाहुबली भैया साधु भैया आ रहल बड़े। साधु ना गोली चलल ना तलवार ना लात घूसा के बरसात, फिर इतना सन्नाटा का है। भैया भैया का देखी हैने के पड़ल बा हैने आई। माखन लाल सर आपका भाई नहीं हो। अरे आई आई नमस्ते प्रणाम प्रणाम। अब आप कब आए सर? नमस्ते नमस्ते। हाँ एक बात बताई, हमरा से कौन दुश्मनी बा? हमरा के काहे मारल चाहता नहीं। पगला अस्तर दर बेगो बाहुबली बाहुबली बन के ना एगो लाडली बहिन के भाई बन के आई बा। माखनलाल जी, ये हमार बहिन के फोटो है। अच्छा, हमरा एकर बियाह खातिर एगो सीधा साधा लड़का चाहिए। और एगो और खास बात कि जे भी हमरा बहिन से बियाह करी हम ओकरा रुपया पैसा धन दौलत दान दहेज सब कुछ दे। और हाँ माखनलाल, हम तोहरो के माला माल कर दे बस। अरे सर ए सर एक मिनट, बाप रे बाप, इतना छोट काम खातिर रहुआ है या चलिए नहीं हो। अरे हमरा के खाली बोल तो देती, यूपी बिहार के सारा कुमार लड़की का लाइन लगवा देती ना वो दरवाजे पर। कितना सुंदर बिया है ना, दिखाई। देखिए है ना। हे सर नहीं, ये काम नू तो चुटकी बजावत हमारा असिस्टेंट कंचन कर दे। कहे ना बॉस, इतना सुंदर लड़की से के ब्याह ना करी। बात तो सही बा माखनलाल जी सर, बाकी हमरा हमार बहिन खातिर ऐसन सीधा साधा लड़का चाहिए जोन अपना जीवन में गो चीटी भी ना मर ले। अरे सर चिंता मत करी, ऐसे ज्यादा बढ़िया लड़का हम ढूंढब, हमार जिम्मेदारी हो। और हाँ हम अपना बहिन के बारे में तोहरा से कुछ बतावल चाहते। एकदम बताई सब अपने लोग, कोनो गैर ना। माखनलाल अंदर चली जा, ज्यादा सही। ओके ओके आई 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 आई। जी सर बताई।
बात ऐसा बाकी क्या बात है कंचन उस राजू पांडे फूतियों को फोन लगाओ राजू पांडे लगाओ आई एम द बॉस ओके ओके बॉस फोन दी पंडित जी और कितना टाइम लगा भैया बात बात पे गन मत निकाली देखा था हम ठीक बा देखिए वाह का संजोग मिलल बा सगरो ग्रह एक साथ राजू और गीता के विवाह के साक्षी बनल बाने ई महीना के 8 तारीख शुभ मुहूर्त बा इतना बहुत बढ़िया संजोग बनल बा बहुत खुशी के बात बा बधाई हो आए मिठाई ले मुंह मीठा करी अब रउआ शादी के तैयारी करी हम शादी के तैयारी करा था नहीं कहा करी बहुत खुश बानी एक ही को बहन भी है ना चला था नहीं ठीक बा चला था चला राजू तनी हेने आवा रहल तोहार कीमत 5,00,000 रुपया तोहार दहेज जय राम जी की प्रणाम प्रणाम कोनो दिक्कत ना भइल आई मेहमान आई चल विधि व्यवस्था में कोनो तरीका के कमी नहीं की छोड़ ले आई देखी तो कितना सजावट भइल बा बैठी मेहमान ओम पवित्रम पवित्रवा सर्वस्थाम गदोभी स्मरेत पुंडरीका सप्तांतर सुचिः लड़की के बुलाई जाओ बुलावा स्वस्तिनो इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्तिनो पूषा हरिष्ठनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतयोर्दधातु स्वाहा करें वर वधू खड़े हो जाएं एक दूजे के वरमाला पहना में हल जाए
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुण ध्वज मंगलम बूंदी काक्षाय मंगलाय तनोहरि ओम शांतागारम भुजग शयनम। आप वधू के आगे कह दी भैया। ओम शांतागारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वादानं गगनचित्रस्यं योगनिद्यां गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। जौन सपना के हम आज तक देखत रहनी हो आज पूरा हो गई। हम तो अकेला अधूरा रहे। तहरा पाके आज हम पूरा हो गई नी। सच कहीं तो हमरा के विश्वासे ना हो रहल बा कि हम सपना देख रहल बा नी कि सब सच में हो रहल बा। एक काम करा, ये तनी चींटी काटा था, पता चल जाए कि हम सपना में बनी कि ना। पता चल गई, हम सपना नहीं खे देखत, अब जरा अपन चांद जैसा चेहरा तो दिखाऊं। सुंदर बारू हो। चुप। का भेल? डर गईला का? अरे तू तो हमार दूल्हा हुआ। आज हम खूब खुश बानी। आज हमार शादी हो गईल बा। तू हमार दूल्हा हुआ। आज से हम खूब नाचब, खूब गाब, खूब 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 मस्ती करब। चला तू भी हमार साथ नाचा, नाचो ना। अरे इका इका नाचा, इका कर रहल बड़ू। नाचा नाचा, हमरे साथे नाचा। अरे आवा ना। क्या कर रहा बड़ू? चला नाचा। अरे हमार बिया हो गई बा हो। चला। अरे छोड़ा। तू ना नाच बा। हमार दूल्हा हमारे साथ नाचत नहीं के। नाचो हमारे साथ। नाचो नाचो माई माई माई, कमरा में का भेल? कमरा में का भेल? भाई हमनी के साथ धोखा भइल बा। कैसे धोखा भइल बरे? ए बाबूजी वो लइकिया पागल बिया। पागल का बात करता? हाँ बाबूजी वो लोग जाके खुद ही देख ली लड़किया पागल बिया। चलो तब आओ देखा जाए। माखनलाल कहाँ बा?
अरे माखन लाल रे, निकल बहरा। काम भाई निकल, इतना शोर काहे मचा रहे बाड़ा? ओ, ओ हमरा के बेचे वाली सरदार हिन आ गई लू। तका भाई तनी याद करा कि का कहले रला, काली कलूटी नाटी केहू भी चली, बस 5 लाख रुपया दहेज चाहिए। तब मिल गई ना तोरा के तोहर 5 लाख रुपया। तो हमरा क्यों पागल्स? What is this? क्या हो रहा है? ये माखनलाल के ऑफिस है, हंगामा क्यों कर रहे हो? अच्छा बात तो ऐसे कर रहा बड़ा जैसे तहरा के कुछ मालूम है नहीं। एगो पागल लड़की से हमार ब्याह करवा देला, हमार जिंदगी बर्बाद हो गई और कह तारा कि का भइल। एक कह जाला बतला बतला बतला। तू का कहला? तुम्हारा साली से ब्याह ना कहला, हमारा साली से ब्याह ना कहला, नाटी रहा लेरी खातिन हमारा अपमान कहला। यही नाते गुस्सा में हम तुमसे लेनी बदला 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 बदला। यस बदला। हाँ हम इतहार ब्याह .com में आग लगा दे और वही में तारा के झोंक दे। गोदाम ना आज हम तू आग लगा दे, एक सेकंड में तोके जेल भजवाई हम। और सुनो तू जाने लाना ना साधु भाई के? बहुत अच्छा से जाने नी, उस साधु भाई के दहेज में दिहल रकम जो बन ओकरा साथे साथे ओकरा बहिन के घर में फेंक के आईब। ऐसन गलती करी हा मत, तनी ब्लड प्रेशरवा अपन लोक के बतियावा। सन पाती न जो कर खोपड़ी, सुबह का माफिया हो, आदमी जानवर नियन काटेला। उ पहले तहरा के गोली मारी, फिर तोहरा शरीर पे वह 5 लाख रुपया बिछा के घास लेट गिरा के मर दई। ए माखनलाल, हाँ उ साधु भैया हमरा के जलावे, हाँ चाहे गोली मारे, लेकिन हम उ लड़की के अपना घर में ना रखब। कहे की ओकरा राखल 100 मौत के बराबर बा, 100 मौत के। वे कही कि इतना आसानी से तू हमार ब्याह कैसे करवा देलू, हैं? बेच देलू हमरा के पागल के हाथ है। अरे हमार बाबूजी कितना बार समझा समझा के थक गई ले, लेकिन हम तहार दोस्ती पे भरोसा कैनी। ब्याह.com वाली अच्छा निभाउलू दोस्ती। राजू तू साधु भैया के ना जानेला? अरे जाने नहीं हम साधु भैया के, साधु भैया हमरा के नहीं जानत। अरे ए साधु भैया पार निकल, 5 लाख रुपया दे के अपन पागल बहिन के हमार गला में टांग दे ले। का सोच ले रहलो कि सीधा साधा नौजवान तोहार रुपया पैसा के आगे बिक जाई? तोहार डर से तोहार पागल बहिन के अपन मेहरारू बना ली। कान खोल के सुन ल कि राजू पांडे टेंट वाला तहार माफिया गिरी के धूल चटावे आइल बा। अरे मेहमान जी, ए गेट खोल, मुंह देखा था आई। अरे एक बात कान खोल के सुन ले कि जौन चीज हमरा पसंद आ जाला ना, ओकरा पावे खातिर हम कुछ भी कर सकेला, चाहे हमरा छल करे के पड़े, चाहे हमरा बल के इस्तेमाल करे के पड़े, चाहे हमरा कुछ भी करे के पड़े। भैया हाँ देखी ना क्या आइल बा मेहमान, मेहमान ए लेके जासन एकरा बाहर, बढ़िया से समझा दासन, ले जो ले जो, मेहमान आ गेला, मेहमान मेहमान। आई आई बैठी बैठी बैठी। अरे बैठी महाराज, अरे बैठी ना। अरे हे रघु काका, अरे मेहमान आयल बड़े हो। अरे चपलवा खोली मेहमान, अरे खोली खोली। ए जा 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 जा, थरिया में पानी लेके आवा, मेहमान के गोड़ धोवे के बा। अरे पहला बार आयल बानी, पाँव तो पखारा ही के पड़ी ना। अरे रहुआ परेशान मत होगी। अरे लावा 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 रखा, गोड़ रखी मेहमान, पानी गिरावा। ए रघु काका ले जाई थरिया लेके जा, ले जा लेके जा। ठीक बा। अ
अरे ऐसे डराए के बात नहीं के मरते, उस सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक गन हथियार रखे के पड़ेगा, रख ला। अरे डरा मत, लाइसेंस ही हमर दे। हाँ न न रउआ रख ली, रख ली। अरे ऐसे ही दुल्हा तक खोजत रही हम गीता खातिर। हे भगवान, साक्षात सीधा साधा एकदम व्यवहारिक दुल्हा। जा मेहमान, दिल खुश का देला, आशीर्वाद बतौरा। बेटा राजू पांडे, ऐजा कुछ बोलल ना तो खोपड़िया खोल दी, एकर बहिन के अगर वहीजा कुछ बोलल गई तो पता ना वो का करी। चुप रहे में भलाई बा। हाँ। बाबूजी, सासु माँ। अरे खाना खा रहल बाड़ा का, खा ले। माँ, ये खाना तू बना लिया ना? बहुत स्वादिष्ट। ससुर जी के तो ई गंदा हो गए, हम धो देता नहीं। अरे बाबा बाबा, क्या करता रे? अरे अरे साफ कर दे तानी। बट हम कहीं जाए, आज हमारे शादी हो गई बा, और आज हम खूब नाचब, खूब गाना गाएब, हम खूब गाना गाएब। चल ना जमा जाते। जिसे प्यार मिले, सासु से दुलार मिले। ससुर जिसे प्यार मिले, सासु से दुलार मिले। सैया से खूबे हमारा आदर सत्कार मिले। जहिया से दुल्हन बनी, ओइनी नुह नया साड़ी में गाड़ी पर चढ़ के ससुराया गईनी नुह। कतही हम ना जाएब, किस्मत से जुड़ल बहो। रोज पूजा पाठ होला, बड़ा विश्वास होला। खूबे आशीर्वाद हम पहनी नुह, नया साड़ी में गाड़ी पर चढ़ के तो ससुराया गईनी नुह।
पढ़ के तो ससुराया गईनी नूह। बाबूजी, ये सब का है? अरे ये कपड़वा कैसे फाट गई? ससुर कहीं का, ससुर कपड़वा कैसे फाट गई? धोखा देलस न तोरा के BIAH.com वाली है? ससुर ब्याह करे खातिर इतना पगलाई रहलो कि घर में लिया के पागल बैठा देले, आ उहे एगो बाहुबली के बहन के रे। उ BIAH.com वाली के अभी बुलाओ। उ बाहुबली के बहन और ओकर 5 लाख रुपया ले जाके ओकरा मुंह पर मार। ई पागल ए घर में ना रही, ले जो करे के हंस। हां भैया, हमरा के ई पागल भौजी ना चाहिए। दुल्हन तो सुंदर बिया, पर पता नहीं विधाता ओकरे साथ ऐसन काहे कइले। अच्छा, दुल्हन सुंदर बिया? अरे भाग्यव, इतना सब हो गई अब तारा समझ में नहीं आवत। रे काम हो देखता रे रे हैं। सुन, हमनी के निर्बंसी रह जा, लेकिन पागल हमरा घर में ना रहे, ले जो करे कभी कभी यहां से। तू हिजा कैसे संभारा अपन बहिन के? धोखा से कैल गेल बिया हमरा के मंजूर नहीं खे, और ई रहल तहार दहेज वाला 5 लाख रुपया। ना ई ना हो सकेला। काहे ना हो सकेला रे? ना हो सकेला मतलब ना हो सकेला। नमस्ते राम प्रसाद जी। नमस्ते। आई आई वकील साहब, ये का हाल बना के रख ले बड़ा? ना हो कुछ ना, बैठी बैठी। बधाई हो राम प्रसाद बाबू, सालन से कोर्ट में चल रहल तुहार जमीन के केस के आज फैसला हो गई। अरे तू केस जीत गईला। आईला अपन जमीन के कागज, अब हक से जाके अपन जमीन पर खेती बारी करा। वैसे राजू बेटा, तोरा के भी ब्याह के बहुत बहुत मुबारकबाद। जी। अरे बहुरिया के घर पे कदम पड़ते ही देखा कितना बड़ खुशखबरी आ गई बा। राम प्रसाद बाबू, बड़ा सौभाग्यशाली दुल्हन मिलल बिया, साक्षात लक्ष्मी बिया लक्ष्मी। हमके इजाजत दी। अच्छा तो प्रणाम, हम जाता हूँ। हम कहनी अनु के हमरा के मत ले चलो, हमरा के देखते ही आग बबूला हो जाई। अरे सुनना, हमरा के बहुत भूख लागल बा और केहू हमके खाना नहीं के दे। तहरा के भूख लागल बा ना, हम तहरा के खिलाई ठीक बा? पक्का 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 पक्का। चल चली। हाँ चल चल, पूजा खाना लेके आओ। अरे चल चल। भैया खाना खाना। हम खिलाओ तो जल्दी खिलाओ, जल्दी खिलाओ। हम खाना खिला देते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताए का? ऐसा नहीं एकदम ऐसे नहीं, हमारे रघु काका हमरा के खिलावत रहे, तू हमरा के खिलाएबा? का होगे तू रोवे का लागला? रवा के भी भूख लागल बका, लिया वा खिला दी। रुका हम खिलावत आनी तो रखे का कहीं पर। चलो ठीक। हमार पेट भरल बा, अब तू खा। पक्का पक्का ठीक, हम खा लेता नहीं।
भाई 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 कहाँ है भैया? बाबूजी लेकिन हमारी कहाँ हो गई? काबरी, हे राजू, अरे माई, माई, अरे झूठा बाबूजी, हॉस्पिटल लेके चली, जल्दी, डॉक्टर साहब, है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। ले जाइए फटाफट इनको अंदर। राजू का भेल रे? अरे का भेल रे? अरे कुछ बताई भे, अरे का भइल? अरे खाली रोबे करबे की कुछ बताइबे रे, बता ना का भई रे। बाबूजी का भइल डॉक्टर साहब? तुहरी माँ के ब्रेन ट्यूमर बा। ब्रेन? हाँ, उनकर जल्दी से ऑपरेशन करे के पड़ी। हाँ तो करी ना ऑपरेशन, करी। ऑपरेशन खातिर 5 लाख रुपया के जरूरत। ए बच्चो, ते अपना माई के जिंदगी बचावे खातिर अपना जिंदगी के दाव पर लगा देले रे, और हम ना जाने तोरा के का अतरा लिया रे। रे बबू, हमरा के माफ करिए रे। अरे बेटा बाबूजी, ई का करो तनी बाबूजी, बाबूजी राजू, ब्रेन ट्यूमर आखिरी स्टेज पे बा। अगर टाइम पे ऑपरेशन ना कर गई तो जान भी जा सके ना। रवा, ऑपरेशन की तैयारी करी, पैसा के इंतजाम हो गई बा, पैसा के इंतजाम हो गई बा। तो ठीक बा, परसों की तैयारी करी ऑपरेशन खातिर। हाँ कीजिए कीजिए। सब ठीक हो जाए। तानी लोग समझत काहे नहीं खे यार, जेकरा से हमार बियाह भइल बा ओकर भाई बहुत बड़ा माफिया, बहुत बड़ा गुंडा बा। केहू ओकरा से बियाह करत ना रहे, यही से हमरा फसावल गइल बा। अगर हम ओकरा के छोड़ दी तो ओकर भाई हमार जान ना ले ली। ऊ तोरा साथे धोखा कइले बा राजू। हमरा के मालूम बा कंचन, लेकिन हमरा के ना मालूम रहे क्यों लड़की पागल बिया, और इहो ना मालूम रहे कि तू आपन माई के ऑपरेशन खातिर दहेज के बात करत रहला। हम उस साधु भैया और माखन लाल की मिली भगत के ना बुझ पाऊनी। हमरा के माफ कर दे राजू। अरे ना कंचन, जौन होखे के रहल वो हो गई। तुहारी दुल्हा बिक गई बा कंचन। राजू, हम तोहरा साथे दोस्ती कईले बानी, तू भले ही हमरा के माफ कर सकेला, लेकिन हम हमरा के माफ ना कर सकेनी। आ एही से आज हम उ माखन लाल के नौकरी छोड़ के आ रहल बानी। का? हाँ राजू, वो साधु भैया भले ही बाहुबली, माफिया या बड़ा पैसे वाला बा, लेकिन आज ये देश में कानून के सिस्टम चलेला, और ई ब्याह धोखा से कईले बा। तू कहे के का चाहता? हम अमरनाथ वकील से बात कर चुकल बानी। तब बे तो हम सोचनी कि इतना बड़ा बाहुबली माफिया
आ अमीर आदमी तोहरा जैसन सीधा साधा नौजवान से आपन बहिन के बिया काहे करवा देलस। तू लो चिंता मत करा, ई बिया उ धोखा दे के कैले बा और इहे बात कोर्ट में साबित करे में हमरा कौनो दिक्कत ना होई। अब का बताई ये पंडित जी, हमरा लड़का के तो जिंदगी नरक हो गई बा। ई जब से पगली से ब्याह भइल हमार घर मझधार में पड़ गई बा। आगे कुआं बा आ पीछे खाई, समझे में नहीं आवत कि का कहल जा। बहु अरे बाप करे वाला खिलौना टूट गइल बा। ए का रे का हो बैठे के बा। तो बैठ ना। अच्छा ओए सुनी, एगो बात पूछे के बा हम कि ये फोन से उतनी दूर से जब आदमी बोलेला तो फिर यहां आवाज कैसे सुनाई दे देता। देखो होला कि तेजो जो जो घर में जो बाप हम ना जाई और काय जाई, हम एजा रही और एजा ही खेलब। का खेली हम अगले ठसकारी। तू पागल हमार सासू कहीं गई बाड़ी का मेला में। ला बाबूजी टिफिन। टिफिन आयल बा, टिफिन पकड़। समझ में नहीं आ रही हम का खरीद रहे हैं। गीता हमार हीरो आ गई बा। ये देखा हमार हीरो आ गई बा। हमार हीरो अरे जा रहे चुपचाप बुझले चुप। बाबूजी चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं थी, वकील बाबू जो बड़े नो अमरनाथ जी उनका से बात हो गई। कहा तू चुपचाप रह आईजे, उनका से बात हो गई ल ई पगली से बहुत जल्दी छुटकारा मिले। राजू पांडे अपना बहन के मोहर ममता के चक्कर में वो दो कौड़ी के टेंट वाला से प्यार मोहब्बत से का बात कर लेनी कि वो हमार दहशत के भुला गए, वो हमर माफिया गिरी के भुला गए। वो हमर बहिन के छोड़े खातिर कोर्ट में केस कैले बा ससुरा, कोर्ट में केस कैले बा शेरा जग्गी बब्बर। चल सलाह जोकर पूरा खानदान के खत्म कर दो वतने। चल सन साधु ई का करता अपन गुस्सा के नशा में अपन बहिन के सुहाग मिटावे जाता। हाँ भैया काका सही कहत बाड़े, ओकरा मरला से अपन बहिन विधवा हो जाई। अब हमनी के पैसा पावर के दिखाए के पड़ी। एगो काम कर, इस शहर के पूरा कचहरी कोर्ट और वकील के खरीद ले, बड़ा से बड़ा वकील कर। कोनो वकील बात तोरा नजर में? उ आपन वकील बाड़ा ना भैया। हाँ प्रेमचंद यादव। जी भैया एगो काम कर, प्रेमचंद यादव के जेब पैसा से भर दे, कौन हो हालत में रजवत की जीते के ना चाहे। प्रेमचंद यादव के फोन लगाओ। जी भैया बैठ जाइए। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब मैं अमरनाथ पांडे
अपने मुवक्किल रामपुर कला निवासी राजू पांडे की तरफ से वकालत करने आया हूं। राजू पांडे गांव के सीधे साधे परिवार का टेंट हाउस चलाने वाला एक छोटा मोटा व्यवसायी है, जिसके साथ सूबे के बाहुबली साधु भैया ने अपनी मानसिक बीमार बहन की शादी की। लिहाजा कोर्ट से मेरी इल्तिजा है कि इस धोखे से की गई शादी को रद्द करते हुए मेरे मुवक्किल राजू पांडे को उस लड़की से निजात दिलाई जाए। साधु भैया का पैरवी करने के लिए कोई वकील है? अरे अपन वकील कहां मर गए रे? अपन वकील ना भैया, हमनी के केस जीते खातिर सब सेट कर ले बाड़े। सॉरी जज साहब, थोड़ी देर हो गई। का हो अमरनाथ जी, आज फिर आ गईला हमरा सामने, हार जाइबा? नाऊ ठाकुर, कितना बार अभी सामने आ जाई। चला आपन झूठ के पिटारा खोला। ऑर्डर ऑर्डर, आप लोग कोर्ट का समय नष्ट ना करें, आगे की कार्रवाई शुरू करें। क्षमा चाहता हूं जज साहब। जज साहब, अदालत के इस केस में समय बर्बाद करने जैसा कुछ है ही नहीं। हमारे क्लाइंट ने ब्याह.com द्वारा शादी की थी, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है, और ये शादी दोनों परिवारों के मेल मिलाप और आपसी सहमति से हुई थी। लेकिन सच्चाई यह है कि अमरनाथ जी का क्लाइंट एक नंबर का लालची और लोभी है, जबकि हमारे क्लाइंट इस शहर के सबसे धनी व्यक्ति है। ये देखकर राजू पांडे बौखला गया और हमारे मुवक्किल की बहन गीता को धमकाने, डराने, जलाने और छोड़ने की बात कहकर दहेज की डिमांड करने लगा। जज साहब, इस बात के चश्मदीद गवाह को मैं अदालत के कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। इस केस की गवाह है ब्याह.com में काम करने वाली एक लड़की कंचन मिश्रा। कंचन हाजिर हो। नमस्ते। मैंने सुना है कंचन जी कि मुवक्किल राजू पांडे की आप खास दोस्त हैं। जी। दोस्ती होना अच्छी बात है, जिसके लिए आप अपने सेठ माखनलाल के लाख मना करने के बावजूद भी छुप छुप कर राजू पांडे के लिए रिश्ते दिखाते रहे। Am I right? बोलिए, क्या यह सच है? जी। राजू तमाम लड़कियों को देखने के बाद कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उन रिश्तों को टालता रहा, और अंत में आपने अपनी एक बचपन की सहेली जो कि बहुत गरीब है उसे अपने घर में बुलवाया। अब आप ही बताइए, क्या उस लड़की में कोई कमी थी? बताइए, जवाब दीजिए, कोई कमी थी? नहीं। कमी थी जज साहब, क्योंकि वो एक गरीब और अपाहिज बाप की बेटी थी। अब तुम ही बताओ कंचन, कि राजू ने गीता से शादी करने के लिए 5 लाख रुपए दहेज मांगा था कि नहीं? सच बताओ, तुम भी एक लड़की हो, कल को ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। बताओ, शादी के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे कि नहीं? जी मांगा था। थैंक यू वेरी मच। वकील साहब, आपको कुछ पूछना है? नहीं। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। जज साहब, राजू पांडे सिर्फ दहेज के चक्कर में शादी करना चाहता था, और जब हमारे क्लाइंट ब्याह.com में गए तो राजू पांडे ने उसी 5 लाख के दहेज के लालच में शादी कर ली। लेकिन उसका दहेज का लालच बढ़ता गया,
इतना बढ़ता गया कि गीता पर जुल्म करने लगा और उसे पागल करार करके हमारे मुवक्किल साधु भैया को ब्लैकमेल करने लगा। लॉर्ड जज साहब, वकील साहब झूठ बोल रहे हैं जबकि ऐसा नहीं है। अब चुप, मुंह बंद कर, बंद कर मुंह, झूठ बोल रहा है। चुप हो जाओ, चुप। ऑर्डर ऑर्डर, अरे आप लोग शांत हो जाइए, बैठिए, आप बैठ जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। प्रेमचंद जी आप कंटिन्यू कीजिए। जज साहब, न जाने कितनी लड़कियां दहेज का शिकार होकर अपनी जान गंवा रही हैं, जो कि समाज के लिए एक कलंक है। इसलिए आप ऐसा फैसला सुनाइए कि आज की तारीख समाज के लिए एक मिसाल बन जाए। थैंक यू जज साहब। ये अदालत अगले तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। जब तक फैसला ना आ जाए तब तक गीता राजू के घर में उसकी पत्नी बनके रहेगी। कोर्ट इज एडजर्न्ड। कैसन लागल अमरनाथ जी? प्रेमचंद जी, दिया भूते से पहले बहुत तेज फड़फड़ाला। इस दिया में बहुत तेल बा, हवा के झोंका से बुझे वाला नहीं के। उह तो अगले तारीख में पता चल ही जाई कि दिया में कितना तेल बा। जय राम जी की। जय राम जी की। तोरा दहेज चाहिए ना? अरे 5 लाख का, 5 करोड़ देवे खातिर तैयार बानी हम। बाकी तू ऐसा नौटंकी मत कर, मत कर ऐसा नौटंकी। अरे कितना कीमत बा बोल ना, हम पैसा देवे खातिर तैयार बानी, खरीद लेब तोरा की। बाकी हमरा बहिन के साथे कुछ गलत ना होके के चाहे, ना तो हम का करब तोरा पता बना। जान से मार दे बा, ये ना तो मार दा हमरा के जान से। हमरा के अब अपना जान के कोनो परवाह नहीं के, बुझला? धोखा से कैल गेल बिया हमरा के मंजूर नहीं खे। और एक बात, अब ये लड़ाई हमारा तहार नहीं खे, सच और झूठ के बा जेकर फैसला अदालत करे। चलो बाबूजी, चलो आराम से। काल तरह माई के ऑपरेशन होके वाला बा, सोचा था नहीं कि इतना पैसा आई कहां से। रउआ चिंता जीन करी, पैसा के इंतजाम हम कॉल ले ले बनी। हाँ व्यवस्था हो गई बा। बियाहवा में मिलल पैसवा देबो का? ना, 5 लाख रुपया उपगली के साथ साथ ओकरा घरे जाई। कंचन भी कुछ पैसा दे रहल बिया, और फिर टेंट बेचे के भी बात चल रहल बा। अब रहुआ ज्यादा ना सोचे, सब ठीक हो जाए, जाए आराम करे। हमरा के मालूम बा कि रहुआ हमरा के छोड़े छोड़े चाहता नहीं। उका है ना, हम पागल हैं। हमार भैया तोरा साथे बहुत बड़ा धोखा कइले बाड़े। देखी जब कोर्ट का फैसला आ जाए तब हम अपन घर चले जाए पक्का। हम तो हार दुलहिन तो ना बन पाईनी, पर एगो अच्छी दोस्त तो बन सके नी ना। बनबा ता ता इला इला ई कंगन और ई अंगूठी भी।
ई सब रखा और एसएमआर माइक के दवा के पैसे देता देता, ठीक है। अच्छा एक बात पूछी, हमके माई से मिलावे ले चल बका। ठीक बा, हम लेके चलो। हम कल जाए आपन माई से मिलब। अरे बाबूजी अब चिंता मत करी, माई के कुछ ना होई, अब हम बिनते कैले बानी भगवान जी से। अरे हमार सेटिंग बा, तू अपन मन छोटो मत करा, माई ठीक हो जाए, देखी यू 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 चुटकी में यू यू ठीक हो जाए माई। अरे यार कैसे समझाएं, बाबूजी मत रोई ना, मत रोई, मान जाए, देखी हम उतना रोवतानी ना। राजू हाँ का भाई, डॉक्टर साहब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गई का? कुछ देर बाद जाके तू माई से मिल सकेगा। देखी हम काले रहनी ना, अरे माई ठीक हो जाए, अरे फर्जी रो रहे हैं, भगवान से हमार सेटिंग रहे। कैसन बाड़ू? बता बता रहा तारा दुबारा जीवन दान मिलल बा, और एमे तारा नालायक बेटा के बहुत योगदान बा। एगो बात कहीं जी, जब से बहुरिया घर में आयल बिया तब से सब शुभ शुभ हो रहल बा। राजू दुल्हन कहाँ भैया? बहरे हुई हम ले क्या होता नहीं। ए भगवान, अगर ये ठीक रही तो कौनो दिक्कत ना रहे। बड़ा
तू तारीफ हमर करता रहो, हमर लका है हरता रहो। नागिन जैसे बलखाए रे हमरो पतरी कमरिया, मौन करे तोहरे नावे लिख दी सबसे उमरिया। उठावा तोहार मुस्कान मारेला, उठावा तोहार मुस्कान मारेला। नजरावा बहन मारेला, कजरावा जान मारेला। नजरावा बहन मारेला, कजरावा जान मारेला। दिल के भीतर आके धस गईलू, घर बना के हमारे करे जावा में बस गईलू। रही रही मनवा उफान मारेला, रही रही मनवा उफान मारेला। नजरावा बहन मारेला, कजरावा जान मारेला। नजरावा गीता, माई बुलावती है। माई, काल कोर्ट में पेशी बा। वकील साहब के फोन आयल रहे, बुलौले बड़े, हम मिल के आवत नहीं। आई बाबूजी। माई माई पता बा, अब हमना सबके काले रानी कि तू बच्चे ही बू, पर सब रोत रहले, सब के सब पागल है ना। और हम सब भगवान जी से अब मंगले रहनी कि तोरा के बचा ली। और मालूम है, हम अपन पूरा कंगन, पूरा का पूरा कंगन सब दे देनी कि हमार माई के सही कर दा और उनका लेके आवा फटाफट। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, पिछली तारीख को मेरे फाजिल दोस्त प्रेमचंद ने मेरे मुवक्किल को दहेज लोभी साबित करने की भरपूर कोशिश की और गवाहों को गवाही दिलवाकर साबित भी कर दिया, ये काबिले तारीफ है। लेकिन मेरे मुवक्किल राजू पांडे ने दहेज का डिमांड सिर्फ अपनी मां के इलाज के लिए किया था, क्योंकि उसकी मां को ब्रेन ट्यूमर है जिसका 2 दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है। ये रहे अस्पताल से निकाले गए राजू के मां के ऑपरेशन के बिल। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, दहेज दहेज होता है, उसके लिए किसी की बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे काबिल दोस्त अदालत के सामने इमोशनल कार्ड फेंककर केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। साधु भैया खुद अपनी बीमार बहन की शादी कराने के लिए विवाह.com वालों को लाखों रुपया, गाड़ी, बंगला सब कुछ देने को तैयार थे। लेकिन वो बीमार नहीं है। वो बीमार है। वो बीमार नहीं है। वो बीमार है। वो बीमार नहीं है। वो बीमार है। मैं कहता हूँ वो बीमार नहीं है। वो बीमार है और उसका मेरे पास सबूत है। ऑर्डर ऑर्डर, आप लोग अदालत की कार्यवाही में बाधा पैदा कर रहे हैं, शांति से बैठिए।
अमरनाथ जी, अगर आपके पास कोई सबूत हो तो अदालत के सामने पेश कीजिए। जी सर। जज साहब, इस सूबे के सबसे बड़े अस्पताल नवजीवन क्लिनिक के वो बिल हैं जहां पे साधु की बहन का इलाज चल रहा था और बरसों से चल रहा था। क्या शादी से पहले राजू को गीता के पागल होने की खबर थी? नहीं जज साहब, और इसी बात को साबित करने के लिए मैं br.com के मालिक मिस्टर माखनलाल जी को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। माखनलाल हाजिर हो। हाँ तो माखनलाल जी। जी सर। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिना डरे सच बोलेंगे। सर झूठ बोले कौवा काटे सर। ऑर्डर ऑर्डर, शांति बनाए रखिए। हाँ तो माखनलाल जी, आप ये बताइए कि साधु भैया आपके ऑफिस में आए थे? जी सर। साधु भैया अपने बहन की शादी के लिए बंगला, गाड़ी और मुंह मांगा रुपया देने के लिए तैयार थे? हाँ जी 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 सर। क्या साधु भैया ने बताया था कि उसकी बहन बीमार है और इस राज को राज रखने के लिए आपको पैसे का लालच दिया गया था और धमकाया भी गया था? जी सर। सर हम बहुत डर गए थे सर, सुबह के माफिया है सर, कहाँ गोली मारे कहाँ गोली निकाले कहाँ पता सर, डर के मारे बोल दिए सर। धन्यवाद, आप जा सकते हैं। जी सर। जज साहब, अपनी बीमार बहन की बीमारी छुपाने का और गुंडागर्दी के खौफ पर राजू जैसे सीधे साधे नौजवान से अपनी बहन की शादी करने का अपराध साधु भैया ने किया है। अब मैं खुद राजू के मुंह से आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। इजाजत है। राजू हाजिर हो। जा बेटा। हाँ तो राजू, आपको ब्याह से पहले पता था कि गीता मानसिक रूप से बीमार है? नहीं जैसा। लेकिन फिर भी अदालत के सामने मैं तुमसे गीता को अपनाने की विनती करता हूं, क्योंकि गीता बीमार है, इसमें उसका क्या दोष है? दोष है तो उसके भाई साधु का है। जज साहब, गीता बहुत अच्छी लड़की है। अगर हम गीता को पहले से जानते होते तो हम उससे खुशी खुशी ब्याह कर लेते और जीवन भर उसका इलाज भी करवाते, लेकिन उसके भाई ने अपनी ताकत और घमंड के बल पे धोखे से ब्याह करवाया है, जो कि हमको मंजूर नहीं है जज। काहे कि धोखा और डर से बना हुआ रिश्ता इंसान को जीवन भर खुशी से जीने नहीं देता है, इसलिए हम गीता को अपनाने से इनकार करते हैं। ठीक है राजू, आप जा सकते हैं। जज साहब, अब फैसला आपके हाथ में है। थैंक यू। तमाम सबूतों एवं गवाहों के मद्देनजर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि साधु ने अपने मानसिक रूप से बीमार बहन की शादी भोले भाले राजू से एक षड्यंत्र से कर दी, लिहाजा यह अदालत इस शादी को षड्यंत्र मानते हुए खारिज करती है और साधु अपनी बहन और दहेज में दी गई सारी रकम को वापस लेकर राजू से आज के बाद कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। अदालत यह फैसला सुनाती है और राजू पांडे को सख्त चेतावनी दी जाती है कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनी रूप से अपराध है, इसका पालन करें
अन्यथा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट इज एडजर्न्ड। अब सब ठीक हो गई। हम तहरा के आज दूदू को खुशखबरी सुनावता नहीं। हमनी कोर्ट में केस जीत गई नहीं। उपगली से अब छुटकारा मिल गई। अब साधु भैया आई हैं। अब 5 लाख रुपया लेके अपन बहन के लेके जई हैं। और दूसरा खुशखबरी माई, डॉक्टर साहब को अदले बड़े कि हम अपना माई के लेके जा सकता नहीं, तो हम जाता नहीं, डिस्चार्ज के पेपर बनवावे फिर घर चलल जाई। ठीक बा माई, आओ तन। हाँ हाँ, मन तो करा था कि तोरा के गोली मार दी। माफी 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 माफी। अरे तोरा के मार के भिका हुई रे, बढ़िया रहेगी। हम खुद के गोली मार दी। अरे का बुजदुली कर रहा बाड़ा, तनिक सोचा अगर तहरा के कुछ हो जाए तो गीता बिटिया के का होई। हमारे बहन के छोड़ला के बाद राजू से तो कोनो रिश्ता ना रह जाए ना। एगो काम करा था नहीं, जौना धूमधाम से हो राजू हमारा बहन के लेके गई रहे ना, ठीक वही तरह हमू धूमधाम से बैंड बाजा गाजा के साथे हम अपना बहन के लेके आए। और ओकरा बाद वो रजुआ टेंट वाला के और ओकर पूरा खानदान के बर्बाद कर दे। माई कैसन बानी, ठीक है ना? भाभी तो एकदम बदल गईली। आज पूरा घर के सफाई कैली है और मंदिर में पूजा भी कैली है और हमर खाना बनावे में मदद भी कैले बाड़ी। अच्छा? हम दिखा तानी। पूजा, एकरा के किचन में घुसे देवे के का जरूरत रहे? 2 दिन के मेहमान बाड़ी, एकर भाई आई और एकरा लेके जाई, बस खेला खत्म। हम खाली हाँ कंचन, हम फैसला कर ले बनी। जौन लड़की से ब्याह करे खातिर हम 5 लाख रुपया मंगले रहने, उ लड़किया से हम ब्याह करे खातिर तैयार बनी। जैसे ही गीताई घर से जाई अब हम ओकरा से ब्याह कर ले। ठीक ठीक ठीक। Thank you.
हम तो हार गोड़ दबाते तानी। ए जी, हम जब अपन भैया के घर चल जाए तो द्रोवा हमरा से मिले आई बना। पता बा, जब तू आई बा ना तो हम अपन बंगला के छत से खूब जोर जोर से चिल्लाकर कहब कि हमार दूल्हा आ गई, हमार दूल्हा आ गई।
अब ना अब हमरा के जब जब तोहार याद आई तब तब हम तोहार फोटो देख ली। साधु भैया के दहेज के रकम लौटा था। गीता के लेके आओ। गीता तैयार हो गई लू, चला तोहरा के लेवे तोहार भैया आइल बाड़े। ई बैग हमार बा और भैया भी हमार बाड़े। दे बक जा यहाँ से। अरे हमार भैया आ गई ले। का भइल माई, काहे रो रहल बाड़ू? देखा आज हम जाता नहीं, कल सब चल जाए। और सुनी दवा ना टाइम पर खइहा और हमरा के फोन करिहा, हम खूब बात करब ठीक बा रोजिन। अरे ससुर जी रवा तो ऐसे रोवाता नहीं जैसे रा और बेटी विदा करता नहीं। अरे पूजा की जब विदाई हुई ना तब जी भर के रो लिया ठीक बा। अब आंसू पोछा। अरे अरे पूजा देखी जब तोहार शादी हुई ना तब हम लोग लइहा पक्का। हमने लोग खूब मजा करब साथी में। और कंचन रवा के तो हम कभो ना भूल पाई, तोहरा वजह से तो हम अपन दूल्हा से मिल पाई नहीं। हमार दूल्हा लाखन में एक लाखन। दूल्हा हम तोरा के याद आई ना, देखी जब हमार याद आई ना तो हमरा के फोन करिया ठीक है। हम ना भग के आ जाए, तोहार साथ बितावल हर पल हम कभो ना भूल। तू हमार सबसे अच्छा दूल्हा बा। हमार भैया आ गए, हम जाता नहीं अब। हमार भैया आ गए ले, हमार भैया। वैसे राजू बेटा, अरे बहुरिया के घर पे कदम पड़ते ही देखा कितना बड़ खुशखबरी आ गई बा। माई ठीक हो जाए, देखी यू 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 चुटकी में यू इला, इ कंगन और इ अंगूठी
ई सब रखा और इसे हमार माइक के दवा के पैसे देता। गीता साधु भैया हमरा के माफ कर दी, काहे कि आप हम और ये हमर परिवार गीता के बगैर ना जी सकता। भैया इस संजोग तो विधाता बनौले बा, एमे गीता के कोनो दोष नहीं खे। गीता जब से ही घर में आयल बाड़ी तब से ही घर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहल बा। हमर बहुत पुराना जमीन विवाद में फसल रहे वो वापस आ गई और माइके बहुत खतरनाक बीमारी रहे होकर इलाज हो गई। अब देखी ना साधु भैया हमरा जैसन सीधा साधा नौजवान राउर जैसन बाहुबली से लड़ गई अकेसो जीत गई। साधु भैया गीता हमार दुलीन हो और हमरे दुलीन रही। अभी हमरा घर के लक्ष्मी है और हमार बहु यही जा रही है। हमार बहु के हम दवा करवा ले इलाज करवा ले बोकर। हाँ भैया हम भाभी के कुल काम सिखाए। और एक बात साधु भैया भगवान रउआ के पगली बहन देले रहले तो रउआ अपन पगली बहन के छोड़ ना देनी और जब भगवान हमरा के पागल दुलीन देले बड़े तो हम अपन दुलीन के कैसे छोड़ सकते नहीं। साधु भाई कोर्ट कचहरी का असली फैसला था आज भैला, अब रहुआ माफ कर दी। सोची मत माफ कर दी। जा जा बा बहन